इसको फंड किया और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए बोला कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार जाइए आप अच्छा कंटेंट बनाइए। तो उन्होंने लाया काला द माफिया ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो वैलिडिटी होता है ना, बेसिकली जो कितना काला पैसा हमारे देश में जिसका रिकॉर्ड नहीं है वो कितने ज्यादा को फंड कर रहे हैं। तो इवेंचुअली दिखाया जाता है कि किस तरह से बिजनेस या बिजनेस टाइकून्स उस फंड को मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और उन्होंने बताया कि 5-5 स्टेट के चीफ मिनिस्टर पॉकेट में रखते हैं। तो समझ सकते हैं कि द पावर ऑफ मनी इज बाय एवरीथिंग एंड इट कैन कंट्रोल एवरीथिंग का जो कॉन्सेप्ट है डिज्नी प्लस हॉटस्टार काफी इंटरेस्टिंग वे ला रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका जो बहुत सारे सीरीज आप देख चुके हैं जैसे सुल्तान हो गया या कुछ भी सीरीज जैसे हॉटस्टार का है, तो हॉटस्टार स्पेशल जो स्पेशल वर्ड है ना उनसे ही डेरिवेशन हुआ है। और इवेंचुअली काला पर भी दिखाई गया कि किस तरह से मनी माफिया होता है, हर हर सेक्शन में होता है, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वहां से भी मनी एक्सचेंज होता है। तो और एक बताया गया कि एक सबसे बड़ा कंसाइनमेंट इंडिया से बाहर जाने वाला उसकी अमाउंट वर्थ रुपीज है 14,000 करोड़। तो लिटरली इतना पावरफुल कंटेंट जहां पर चीफ मिनिस्टर तक भी इन्वॉल्व होते हैं और साफ चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि आगे से हम इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्टोरी लाइन इंडिया में बनकर काफी इंटरेस्टिंग वेज और एक्साइटमेंट को जगाती है और जिस तरह से मूवी व्लॉग्स वीडियो बनाता है तो उस तरह से आपकी भी एक्साइटमेंट जग जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।